यकूस्का 3 लाख की आबादी वाला रशिया का एक ऐसा शहर जहाँ पर सर्दियों के मौसम में अगर आपकी कार 10 मिनट के लिए भी किसी भी कारण से बंद हो जाती है तो फिर आपकी कार अब सीधा गर्मी में ही चालू हो पाएगी। ऐसा क्या है इस शहर में, जानेंगे इस वीडियो में। पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आर्कटिक सर्कल के पास बसा हुआ ये यकूस्का अपने आप में ही एक आधुनिक शहर है। इस शहर में अभी तक का मिनिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड करा गया है वो है -71 डिग्री सेल्सियस, जो कि अपने आप में ही एक बहुत कम टेम्परेचर है। ये दुनिया का पहला ऐसा शहर है जहां पर इतने कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी इंसान यहां पर बसते हैं। इस शहर की कुछ आधुनिक चीज़ें जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं, जैसे कि हमारे घर के जो रेफ्रिजरेटर हैं इनका टेम्परेचर होता है करीब 5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल, और इनके जो फ्रीज़र होते हैं इनका टेम्परेचर होता है करीब -20 डिग्री सेल्सियस। पर जो यकूस्का है इसका सर्दियों के समय का नॉर्मल टेम्परेचर होता है करीब -58 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर से काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। इसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वो लोग अपने खाने को, जैसे कि मीट या फिश है, उसे खिड़कियों के बाहर कुछ इस तरीके से टांगना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बल्कि अपने रेफ्रिजरेटर में रखने हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में रखने से उनका खाना ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि बाहर टांगने से उनका खाना फ्रेश और ठंडा भी बना रहेगा। इस शहर के लोग कभी भी मेटल फ्रेम वाले जो ग्लासेस होते हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर है सर्दियों के समय का वो है करीब -41 डिग्री सेल्सियस से -48 डिग्री सेल्सियस। इतने कम टेम्परेचर में अगर ठंडा मेटल आपकी स्किन से टच भी हो जाता है तो फिर वो आपकी स्किन से पूरी तरीके से चिपक जाएगा। फिर उसको छुड़ाने में जितनी दिक्कत होने वाली है वो वाकई में बहुत दर्द वाली होगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो मेटल फ्रेम वाले ग्लासेस होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करा जाता है। इस शहर में आप अपनी कार को 10 मिनट से ज़्यादा के लिए कभी भी बंद नहीं रख सकते हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ का जो इतना कम टेम्परेचर है उस पर अगर आपकी कार धोखे से भी 10 मिनट से ज़्यादा के लिए बंद हो जाती है तो जो कार का इंजन ऑयल है वो ऑयल तेज़ी से जम जाएगा। फिर उस ऑयल को अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सर्दियाँ जाएंगी और गर्मियाँ आएंगी। सो इस वजह से यकूस्का के लोग अपनी कारों को 2400 घंटे और 7 दिन के लिए चालू रखते हैं, जिससे कि उनका इंजन ऑयल गर्म रह पाए और उनका इंजन काम करने लायक बना रह पाए। इस वजह से यकूस्का में कोई भी कार को ओन करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। यकूस्का के जो ठंडा टेम्परेचर है उसकी वजह से जो वहाँ के फिश या मीट की जो दुकानें होती हैं वो हमेशा खुले में ही लगाई जाती हैं। खुले में लगाने से उसमें ठंडी की वजह से कभी भी ख़राब होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, और उसके साथ साथ जो मीट है या फिश है वो पूरे समय के लिए फ्रेश बनी रह सकती है। इस शहर में कोई भी आम इंसान को कम से कम 7 से 8 लेयर करनी ही पड़ेंगी अपने कपड़ों में, तभी वो इस ठंडी से बच पाएगा। तो इतनी दिक्कतों के बावजूद भी ऐसा क्या है इस शहर में जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी बसती है। यहाँ पर जो सबसे कीमती चीज़ है जिसकी वजह से आज यहाँ इतनी बड़ी आबादी है वो है यहाँ के पेट्रोलियम और गैस के रिज़र्व। यहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे पेट्रोलियम और गैस के रिज़र्व हैं, जिसकी मदद से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेल का व्यापार हुआ करता है। उसके साथ ही साथ दुनिया की कुछ सबसे कीमती चीज़ों में से एक जिसका नाम है डायमंड, वहाँ पर वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। दुनिया का 20% डायमंड की खदानें इसी शहर के आसपास हैं, और इस शहर में डायमंड की बहुत बड़ी मार्केट भी है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। यही है कुछ ऐसी वजह जिनकी वजह से ये शहर में आज भी इतनी बड़ी आबादी बसती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।